गढ़रवारा में पिपरिया रोड पर दाहिरा पार्क होटल का शुभारंभ के अवसर पर द्वारका शारदा पीठाधीश्वर जगतगुरु श्री श्री खजाराज श्री स्वामी सदानंद सरस्वती जी महाराज की पादुका पूजन और आशीर्वाद श्रवण करने का भी सभी को पुनीत अवसर प्राप्त हुआ। वहीं दूसरी ओर हीरा एवं स्वर्ण आभूषणों के भव्य प्रदर्शनी और सेल के साथ अपना भविष्य जानने के लिए भारत के सुप्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य और हस्तरेखा वेदाचार्य अमित तिवारी का सानिध्य सभी को प्राप्त हुआ। सराफा व्यवसायी और समाज सेवी जिनेश जैन ने कहा, गढ़रवारा नगर बहुत डेवलप हो रहा है, बड़े शहरों की तर्ज पर सर्व सुविधा युक्त होटल बनाए गए हैं। वहीं दूसरी ओर सजल जैन ने कहा, जगत गुरु शंकराचार्य जी की पादुका पूजन के बाद होटल का शुभारंभ हुआ। लोगों की सुविधा के लिए 24 एसी रूम रेस्टोरेंट 5,500 स्क्वायर फीट का हॉल और कॉन्फ्रेंस हॉल स्विमिंग पूल और सर्व सुविधा युक्त व्यवस्था की गई है। मुझे गुरुवर कृपा पूर्वक आज यहाँ पधारे हैं, मैं उनके चरणों में सत्सत प्रणाम करता हूँ और उनकी इस कृपा के लिए आजीवन ऋणी रहूंगा। मेरा पूरा परिवार इस कृपा के लिए आजीवन ऋणी रहेगा। गुरुवर ने हमारा निवेदन स्वीकार किया, उनके श्री चरण यहाँ पड़े, मेरे निवास पर ही पड़े, उनकी कृपा मेरे उनकी छत्र छाया, उनकी कृपा मेरे पूरे परिवार में आजीवन रहे, ऐसी आकांक्षा करता हूँ गुरुवर। और इस कार्यक्रम में जो भी हमारे सम्मानीय अतिथि पधारे हैं, हमारी बहनें, हमारे रिश्तेदार, जो भी जनप्रतिनिधि पधारे हैं, हम उन सबका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। सम्मानीय नगर पालिका के अध्यक्ष महोदय शिवा भैया, मजली भैया, शैलेंद्र दीवान साहब, सत्येंद्र फौजदार जी, गिरजा फौजदार जी, सब विप्रगण यहाँ पधारे, उनके चरणों में नमन करता हूँ। हमारी ऋचा दीदी गोस्वामी जी और दीदी पधारी हैं, उनको भी मैं प्रणाम करता हूँ, उनके चरणों में नमन करता हूँ। जो भी ब्राह्मण देवता यहाँ विराजमान है, उनके चरणों में नमन करता हूँ। और ये प्रार्थना करता हूँ, मैं गुरु जी के पास गया, जब गुरु जी महिमा यज्ञ में आए, जब मैंने पहली बार गुरु जी का प्रवचन सुना, उस प्रवचन को सुन के ऐसी अकाट श्रद्धा महाराज जी के चरणों में मेरी समर्पित हुई। ये साधुओं के प्रवचन हमने बहुत सुने हैं, प्रमाण सागर महाराज जी के जो प्रवचन है, कहीं ना कहीं गुरु जी के प्रवचन से बहुत मेल खाते हैं। मैंने गुरु जी को ये आजीवन आपके सानिध्य में, आपके चरणों में आपकी कृपा प्राप्त करने के लिए निवेदन करूं। और महाराज जी ने पहली बार नागेंद्र त्रिपाठी जी और सुरेंद्र भैया द्विवेदी जी और गुरु जी ने हमें यहाँ आने की स्वीकृति बड़े सहज रूप से दे दी। और ये भी जुलाई का जो हमने बोलने का सामर्थ्य किसी का नहीं हो सकता, मैंने थोड़ा सा प्रयास किया, त्रुटि हुई तो क्षमा चाहता हूँ। आगंतुक सभी अतिथि जो यहाँ पधारे हैं, उनका पुनः बारंबार आपको नमन करता हूँ। ऐसे ही कृपा पूरे आगंतुक अतिथि मेरे परिवार में हमेशा बनाते रहें। सभी को पूरी शंकराचार्य जी महाराज की जय। गढ़रवारा नगर ओसू की नगरी है। आज हीरा पार्क द होटल में आप आए, ज्योतिष सभी लोगों के हाथ दिख रहे हैं, कैसा क्या लगा आपको? गढ़रवारा ओशो के लिए विश्व प्रसिद्ध जगह है और मेरा सौभाग्य है कि मैं गढ़रवारा जैसी जगह में आपसे मिलने आया हूं और मैं गढ़रवारा की महान जनता से मिलकर बहुत प्रसन्न हूं। बहुत प्रेमी है, व्यवहार में बहुत अच्छे हैं और ज्योतिष जैसी महान विद्या के लिए हमारे मन में जो भ्रांतियाँ उन्हें दूर करने आया हूँ। जैसा कि लोग मानते हैं कि ठग विद्या है, कुछ भी बता देते हैं, वैसा नहीं है। आप एक बार मिल के देखिए, शायद आपका विचार बदल जाए, क्योंकि ये हमारे ऋषि मुनियों द्वारा रिसर्च किया हुआ एक विषय है जिसको कि हम सही से इस्तेमाल करना नहीं जानते, इसलिए समस्या है। यदि इसको सही से इस्तेमाल करेंगे तो जीवन बदल सकता है। जैसे रत्नों के बारे में हम बात करते हैं, तो यही अगर हमें सही रत्न की जानकारी है तो हम अपने जीवन को बदल सकते हैं, और यदि रत्न की सही जानकारी नहीं तो गड़बड़ है। जैसे हर दवा के बारे में भी यही है, अगर सही दवा पता है तो ठीक कर देगी और गलत दवा खाएंगे तो गड़बड़ कर देगी, वैसा ही। आप क्या देखते हैं हाथ देख के? मैं हस्तरेखा और जन्म पत्रिका में काम करता हूँ। मान लो कोई आपसे मोबाइल से संपर्क करे? जी, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। मेरे मोबाइल, मुझे गूगल पर सर्च कर लीजिए, आचार्य अमित तिवारी, मेरी पूरी डिटेल डली हुई है, आप जब चाहें तब मेरे से बात कर सकते हैं। नगरी में होटल बनाने का
प्रोजेक्ट दिमाग में क्या हुआ है? नहीं, होटल का तो मैं बहुत सालों से मेरे मन में था, और आज जगत गुरु शंकराचार्य जी 1008 सदानंद जी महाराज के चरण पड़े यहाँ, उनकी पादुका पूजन मेरे परिवार के द्वारा हुई, और इस व्यावसायिक प्रतिष्ठान का जो शुरुआत हुई है होटल की हमारी, इसमें रेस्टोरेंट भी है, पूल भी है, 28 कमरे हैं लोगों के लिए, लग्जरी कमरे हैं पूरे, और एक लग्जरी हॉल जो आप देख रहे हैं ये है। इसमें हमने इवेंट भी प्लान किया है कि गुरु जी की पादुका पूजन करने के बाद, उनका आशीर्वाद लेने के बाद, जो मेरा प्रतिष्ठान है हीरा ज्वेलर्स, वो यहाँ पे एग्जीबिशन के रूप में एक दिन के लिए यहाँ आया है, और बहुत सारे आप देख रहे हैं यहाँ, बहुत सारे जो कस्टमर्स हैं हमारे, उनमें बड़ा उत्साह देखने को मिल रहा है, तो यही गुरु कृपा होती है, तो ऐसा काम करने का हम लोग प्रयास करते हैं। आप जनता समाज सेवा के क्षेत्र में जुड़े हुए हैं, निश्चित रूप से यहाँ पर आने वाले समय में बहुत से कार्यक्रम होंगे, उनके लिए क्या विशेष सुविधाएं दे पाएंगे आप होटल के माध्यम से? देखिए, सुविधाओं की बात जो है, सुविधा व्यवस्था इस तरह की, अगर मान लो हम वो गाड़ा वाला छोटा शहर है, यहाँ इस तरह की व्यवस्था देने में काफ़ी प्रयास करने होते हैं हम, तो ये व्यवस्थाएं लोगों के लिए ही बनाई है, गाड़ावाड़ा को और डेवलप करने के लिए, कि बड़े शहरों में भागना ना पड़े लोगों को, उनके काम यहीं हो जाएं, जो उनकी आवश्यकता है उनकी पूर्ति यहीं हो जाए, इस मानसिकता से इसका निर्माण किया गया है। जी, आपने लंदन से पढ़ाई की है, ग्लोबल बिजनेस की डिग्री ली है, वो गाड़ावाड़ा में लोगों की सुविधा के लिए द हीरा पार्क होटल का शुभारंभ किया, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं आपके अनुभव इस होटल में काम आएंगे, किस प्रकार के होटल का शुभारंभ हुआ आज? सभी को जय जिनेन, और मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, हमारा परिवार बहुत भाग्यशाली है कि गुरु जी अपने शंकराचार्य गुरु जी उन्हें अपना समय निकाल के यहाँ पे उनके पादन पूजन से यहाँ इस होटल का शुभारंभ हुआ, द हीरा पार्क होटल गाड़ावाड़ा पिपरिया रोड। यहाँ पे 28 कमरे बनाए हुए हैं हम लोगों ने, फुल एसी कमरे हैं, रूफटॉप रेस्टोरेंट है, 5,500 स्क्वायर फीट का यहाँ पे बैंक्वेट हॉल है, कॉन्फ्रेंस हॉल है, काफ़ी छोटी पार्टी, बड़ी पार्टी, रिसेप्शन, गेट टुगेदर यहाँ सभी हो सकते हैं। और मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ, अगर आपको एक्सपोजर मिलता है बाहर से, तो मेरे को देख के ये पूरा आपको वीडियो चलेगा अभी एग्जीबिशन का, तो आपको लगेगा ये गाड़ावाड़ा नहीं, ये बॉम्बे है। अगर आप एक्सपोजर लेके आओगे, क्योंकि मैंने देखा, मैं रहा वहाँ पे, मैंने सब स्टॉल देखे वहाँ, सब लगे, तो आज लोगों को ये सब एक बार देखने मिल रहा है, ये सब क्या जैसे बहुत सारे लोग हैं जो बॉम्बे नहीं गए आज तक, बहुत सारे लोग हैं जो गाड़ावाड़ा आसपास रहते हैं, उनको अच्छी चीज़ देखनी है। हम लोग ये सब यहाँ पर ज्वेलरी, यहाँ जो फूल की ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी, येलो ज्वेलरी, एंटिक ज्वेलरी, सिल्वर सब लेके आए हैं, लिब्रा जेम्स वाले भी आए हैं, पंडित जी भी आए हैं हमारे, अमित तिवारी जी, वो जो अपने नौ रतन होते हैं, वो आपको आपके वो देख के आपका देख के वो बताएंगे। तो ये एक्सपोजर का कमाल ही तो है जो मैं सबको यहाँ पे हमारा परिवार के सपोर्ट से मैं आपको दे पा रहा हूँ। कटरवारा से संजय गुप्ता की रिपोर्ट।